हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ गाइड बैंक्स। आप लोग जानते ही होंगे, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है एक रिवर के अक्रॉस, जैसे कि कोई ब्रिज बनाया है हमने, तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी उस ब्रिज के ऊपर पानी चला जाए। इसलिए हम लोग उस ब्रिज के दोनों साइड गाइड बैंक्स प्रोवाइड करते हैं रिवर में, जो कि अर्दन एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जो कि चाहे जितना पानी उस रिवर में आ जाए, वो कभी भी उस पर्टिकुलर ब्रिज या उस एम्बैंकमेंट के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग गाइड बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमेशा पेयर्स में प्रोवाइड करे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये सिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि पार्शियली कंट्रोल करते हैं रिवर के फ्लो को और उसको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, इसका क्या कहना है कि खादिर बैंक इज़ परमानेंट रिवर बैंक। इसका मतलब ये है कि ये अगर बैंक ऑफ रिवर है, ये बैंक ऑफ रिवर हैं, तो इसके अंदर जो गाइड बैंक्स होंगे वो इधर होंगे, तो जो मेन फ्लो निकलेगा वो इस गाइड बैंक के थ्रू निकलेगा, और ये वाले बैंक जो हैं ये थोड़े कम पानी से भरे रहेंगे। तो मेन फ्लो हमारा गाइड बैंक से निकलेगा, और ये क्या हो गए, खादिर बैंक हो गए, जो कि हमेशा से रिवर के परमानेंट रिवर बैंक्स हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक्स कैसे प्रोवाइड होते हैं। ये जो होता है गाइड बैंक्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट, मतलब कितना बड़ा गाइड बैंक हम रिवर के बेड से कितनी हाइट तक का प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो सम होता है ये HFL प्लस एफ्लेक्स प्लस वेलोसिटी हेड प्लस फ्री बोर्ड। HFL क्या होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है, जो कि रिवर का होता है, ठीक है, जो कभी भी हो सकता है। एफ्लेक्स क्या होता है, इट इज़ द राइज इन द HFL ऑफ रिवर। मतलब कि जब जैसे ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पे एक रिवर जा रही है स्ट्रेट, इस डायरेक्शन फ्लो कर रही रिवर, तो ये ब्रिज बनाया गया है, तो इस ब्रिज को बनाने की वजह से जो इसके लेवल में राइज होगा इस रिवर की लेवल में, इसको हम लोग एफ्लक्स कहते हैं। अब जो सेकंड चीज़ है फ्रेंड्स, वो है द रिजाइन वाटरवे। इसको हम लोग लेसीज पैरामीटर से निकालते हैं, और जो पैरामीटर होता है लेसी का, वो हम सबको पता है पी इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट क्यू, जहाँ क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज इन क्यूमेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है लेंथ ऑफ द गाइड बैंक्स। इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था जो थे स्प्रिंग एंड गेल्स। इनके अकॉर्डिंग जो अप स्ट्रीम लेंथ होती है 1.25 एल होती है 20,000 क्यूमेक्स तक, और 1.5 एल होती है जब भी हमारा डिस्चार्ज 20,000 क्यूमेक्स से ज़्यादा हो, और जो डाउन स्ट्रीम लेंथ होती है वो होती है 0.25 एल हमेशा। जैसे आप लोग देख सकते हैं दो गाइड बैंक्स प्रोवाइड किए गए हैं रिवर के दोनों साइड। तो देखिए, ये हमारा ब्रिज है, इधर इस वाले एक्सेस पर हमारा ब्रिज है, तो इसके जो अप स्ट्रीम है, हमें पता है अप स्ट्रीम ऊपर होगा और डाउन स्ट्रीम नीचे होगा, तो अपस्ट्रीम साइड पे देख सकते हैं आप लोग 1.25 एल से 1.5 एल, इन दोनों में से डिपेंडिंग ऑन डिस्चार्ज हम लोग कोई भी लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, और डाउनस्ट्रीम साइड पे हम लोग हमेशा 0.25 एल प्रोवाइड करते हैं। ये जो इसका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्व्ड हेड ऑफ गाइड बैंक, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.45 एल, और जो ये एंगल होता है इसको हम लोग 120 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी डिजाइनिंग में, वो होती है स्लोप पिचिंग थिकनेस। ये देख रहे हैं आप, एक गाइड बैंड बना हुआ है, तो ये जो स्लोप पिच्ड है, मतलब जो स्लोपिंग एरिया है, इसको 2:1 में स्लोप देते हैं हम लोग, तो ये स्लोप है जिसकी थिकनेस होती है टी, ये होती है स्लोप पिचिंग थिकनेस। इसको कैसे देते हैं, टी इक्वल्स टू 0.06 क्यू की पावर 1/3। अब जो लॉन्जिंग एप्रॉन, एप्रॉन क्या होता है, ये जो स्लोप थिकनेस के बाद वाला जो पार्ट होता है इसको लॉन्जिंग एप्रॉन कहते हैं, और इसकी थिकनेस कैसे देते हैं हम लोग, 1.9 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लोपिंग पिच, 1.9 टी। अब जो इसकी लेंथ होती है उसको कैसे देते हैं, लेंथ होती है 1.5 टाइम्स ऑफ डी। डी क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये सिंपल फॉर्मूला होता है डी का, 1.25 आर माइनस वाई, अगर स्ट्रेट रीच है, अगर ऐसा स्ट्रेट रीच है तो 1.25 आर माइनस वाई होगा, अगर कर्वलीनियर रीच है, मतलब ऐसे कर्व्स बने हुए हैं इसमें, तो डी इक्वल्स टू 1.5 आर माइनस वाई होगा। आर यहाँ पे सिंपल हम लेसी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनसे निकाल लेंगे, आर की वैल्यू होती है 0.47 क्यू अपॉन एफ टू द पावर 1/3, एफ की वैल्यू क्या होती है 1.76 अंडर रूट डी। एफ क्या है यहाँ पे, सिल्टिंग फैक्टर, और डी क्या है, इस यहाँ पे हम लोग डी एमएम में रखेंगे, और डी होता है एवरेज पार्टिकल का डायमीटर, और वाई क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल अबव रिवर बेड लेवल, जो वाटर अबव रिवर बेड लेवल है उसकी डेप्थ कितनी है, ये होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।